वैचारिक विद्रोह, देशद्रोह। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वैचारिक विद्रोह, देशद्रोह, क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या वैचारिक विद्रोह देशद्रोह है? क्या सिस्टम से सवाल देशद्रोह है? और क्या सरकार और सिस्टम के आगे ना झुकना ये भी देशद्रोह है? क्या देशद्रोह मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून, 152 साल पुराना कानून, 1870 का कानून देशद्रोह? क्या उसके अब खत्म होने का टाइम आ गया? क्या 124A राजद्रोह देशद्रोह का टाइम ओवर हो गया है? क्या देशद्रोह कानून को हटा देना बाकी देशहित में है? क्या उसके दुरुपयोग को रोकना देशहित में है? आज हम यही डिबेट करेंगे, आज हम यही सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम सवाल है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देशद्रोह कानून पर बहस हुई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने इस कानून पर ही रोक लगा दी है। फिलहाल अंतरिम रोक एक तरीके से पॉज बटन दबा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सिडिशन में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। देशद्रोह की कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी अगले आदेश तक, और पहले से चल रहे केस भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे, मतलब स्थगित है एक तरीके से। मतलब देशद्रोह कानून पर रोक, इसके रिव्यू तक लगाई गई है। अब इसके रिव्यू होगा, नई गाइडलाइंस आएंगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी कहा है कि सरकार इस कानून पर विचार करेगी। साथ ही केंद्र सरकार ने भी कहा कि गंभीर अपराध वाले इस कानून के दायरे से बाहर नहीं रखे जाने चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? कि देश के खिलाफ बातें करना, देश को तोड़ने की साजिश रचना, भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरह की नारेबाजी करना, भारत की चिकन नेक काटने की धमकी देना, देश के दुश्मनों का साथ देना, देश विरोधी नारेबाजी लगाना, अब देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या देशद्रोह कानून हटाना देशहित में होगा या कानून में बदलाव देशहित में होगा? मतलब बदले के लिए कानून का इस्तेमाल या बदलाव जरूरी है? क्या उन लोगों से देशद्रोह के आरोप हटा लेना सही होगा जो भारत के टुकड़े होने के नारों को अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं? और क्या आप देश विरोधी काम करने वाले देशद्रोही नहीं माने जाएंगे? मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं और अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। अमन लेखी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी मेरे साथ अमन पवार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बतौर अधिवक्ता भी आज मैंने आपको बुलाया है, बतौर लॉयर भी, आप समझा पाएं सरकार इसके अगेंस्ट है कि इस पर पॉज बटन नहीं दबाना चाहिए। एक PIL से पॉज बटन दबा दिया गया है। आप किस तरफ हैं कि क्या देशद्रोह कानून को खत्म कर देना सही होगा, मतलब उसको, उस पर रोक लगा देना सही है? जय हिंद, वंदे मातरम, सो नाइस टू सी यू अगेन। देखिए अमन भाई, गंगा हमारे मुंह से निकलता है गंगा मैया गंदी हो गई। गंगा मैया नहीं गंदी हुई, अरे भाई हमने उन्हें गंदा किया। कोई गंगा मैया गंगोत्री से अंदर से गंदगी लेके नहीं आई, हमने उन्हें गंदा किया। बाय एंड लार्ज कानून कभी गलत नहीं होता, बाय एंड लार्ज। अब कोई बहुत कोई अफवाद हो वो एक अलग बात है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है और एग्जीक्यूशन उसका गलत हो जाता है। टाडा गलत था, बिल्कुल गलत नहीं था, एग्जीक्यूशन गलत हो गया। डाउरी एक्ट तक का एग्जीक्यूशन गलत हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह तो एक एक्सटॉर्शन एक्ट बन गया है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। सिडिशन को जब हम पढ़ते हैं और इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं, मेरा यह मानना है कि अगर सिडिशन कानून कंटिन्यू करना है तो इसमें एक बेसिक चेंज आना चाहिए। गवर्नमेंट की जगह जो आता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो हो जाना चाहिए अगेंस्ट द नेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, सिडिशन कानून मेरे हिसाब से खत्म होना चाहिए और एक अलग से पूरा एक्ट आना चाहिए, एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट, जो सिडिशन कानून से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। ये कम है, और होना चाहिए, लेकिन बस उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इस टाइम एक कानून से, 124A से काम नहीं चलेगा। पूरा एक्ट लाओ, सिडिशन को एक्सप्लेन करो,
कम से कम उसमें उम्र कैद की तक की सजा हो, कम से कम इस तो देश को इस वक्त की क्या गारंटी। मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि भाई मैंने जो आज देश मैंने में जो डॉक्टर रिजवान ये जो ऊपर जो हम इस वक्त जो पंक्तियां चला रहे हैं कि दुरुपयोग से बचाओ, सख्त देश द्रोह कानून बनाओ, ये मैंने भी लिखा है। ये मैंने भी इस पर जब डिबेट के लिए आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई अच्छा, एक चाकू का सॉरी मैं सो नाइस सो नाइस मैं आपको बता रहा हूं भाई, जैसे एक चाकू का इस्तेमाल भाई सब्जी काटने के लिए भी होता है और मर्डर के लिए भी होता है, तो हम चाकू का इस्तेमाल करना थोड़ी ना छोड़ देते। जी जी अब वैसे ही हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब उससे तबाही भी होती है लेकिन वो डेटरेंट का काम करता है। अब ये तो है नहीं न्यूक्लियर हिरोशिमा नागासाकी हुआ तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना छोड़ देंगे आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी से हमें बहुत कुछ मिलता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो उसका भी मिसयूज नहीं होगा, ये कैसे फिर सुनिश्चित होगा कि उसका भी नेशनल एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट पता नहीं ऐसा कुछ आप कह रहे हैं, उसका भी तो मिसयूज हो जाएगा फिर। अब ये जो मैंने आपसे बोला एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट आना चाहिए, अब दुरुपयोग होगा नहीं होगा इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो गवर्नमेंट करती आएंगे चाहे कोई भी हो, वो किसी सख्त कानून का दुरुपयोग करती आएंगे। हाँ। उस पर ये लोग बहस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बतौर अधिवक्ता मैं उस पर क्या बहस करूं। ठीक है चलिए, गौरव भाटिया अब आपको नजर आ रहे हैं, पूरा पैनल इस वक्त आपको नजर आ रहा है, सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है। गौरव भाई बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ अमन पवार कांग्रेस पार्टी से हैं और अमन लेखी भी आज डिबेट में, तीन तीन अमन है, अमन लेखी जी हैं, अमन पवार हैं और मैं। गौरव पहले मैं गौरव आपसे शुरू कर रहा हूं, मैंने आप थोड़ा सा देरी से जुड़े, आप लोग इसके अगेंस्ट मतलब आप सरकार का पक्ष था कि पॉज बटन दबाना नहीं चाहिए था, मतलब इसका रिव्यू ठीक है लेकिन इस पर रोक लगना ठीक नहीं, गौरव यही सरकार का पक्ष है? देखिए अमन जी एक बात जरूर कहूंगा, इस देश की जो जनता है ना वो बहुत समझदार है, ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी वाली बातें अब चलती नहीं है। और मैं आपके समक्ष देखिए रखता हूं वो आदेश जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज पारित किया है, दो बड़ी बातें जो सभी दर्शकों को देश की जनता को पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले कहा कि केंद्र की सरकार ने एक दलील रखी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ फैसला दिया है, ऐसा एक भाव बताया जा रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय से ही पढ़ रहा हूं मैं जो आदेश है। हाँ। इसमें लिखा है इट इज क्लियर दैट द यूनियन ऑफ इंडिया अग्रीज विद द प्राइमा फेसी ओपिनियन एक्सप्रेस बाय दिस कोर्ट। मतलब केंद्र सरकार ने जो बात कही वही बात सर्वोच्च न्यायालय के मन में भी थी, तो दोनों एक तरफ हैं, कोई विरोधाभास नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो फैसला हमने करा उसको काट के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। दूसरी बात देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में जहां सरकारें होती हैं जिसका भुक्त भोगी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पत्रकार जो ईमानदारी से निर्भीकता से पत्रकारिता कर रहा था इस वक्त चैनल पे बैठा हुआ है, उसका नाम है अमन चोपड़ा, राजस्थान की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया। और इस आदेश में अमन जी एक बड़ी बात और है कि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट को बताया कि 124A राजद्रोह का दुरुपयोग जब नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ती है तो उसको लगा के भी किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिख दिया है। अब मैं बड़ी बात एक कहता हूं, आपको मालूम है इस पे कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, ये हर जगह सर्वविदित है कि 74 साल तक 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी में दमखम नहीं था कि ये अंग्रेजों का जो कानून है उस पर पुनर्विचार करें, अभिव्यक्ति की आजादी को आगे बढ़ाएं। ये काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया हलफनामा देके, और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ है क्योंकि ये कन्हैया कुमार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन, लेकिन ये देशद्रोहियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, ये पत्थरबाजों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। वो कह रही है कि ये उनकी जीत हुई है, ये देशद्रोह कानून पर रोक सही या नहीं, बस एक बार मुझे बता दीजिए फिर मैं अमन जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी से हैं, अमन जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन गौरव भाटिया सीधा सा सवाल, देशद्रोह कानून पर 124(1) पर रोक सही या नहीं, ये बता दीजिए बस अंतर में रोक। देखिए अमन जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये राहुल गांधी तो कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय दो व्यक्ति चला रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और मैं एक अधिवक्ता भी हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि हमने एक पक्ष रखा, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई, पुनर्विचार होगा और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो कहीं ना कहीं जो हमारी मंशा है
उसी का एक प्रतिबिंब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन तो फिर ये कांग्रेस पार्टी की जीत कैसे हुई? फिर मैं अमन जी फिर कांग्रेस पार्टी की जीत कैसे हुई? गौरव भाटिया तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि सरकार का जो पक्ष है वही कोर्ट का पक्ष है। अमन जी देखिए, आप लोग इस मुद्दे को और इस डिबेट को जो अहम मुद्दा है उससे भटकाने का काम ना करिए। मेरा गौरव भाटिया जी से भी ये निवेदन है, सर्वोच्च न्यायालय में मैं भी अधिवक्ता हूँ, हमारे साथ कई केसों में ये पेश भी होते हैं, और जिस प्रकार की लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देती है। इसीलिए मैं बड़ा हम्बली आपको आज जो यहाँ पे आंकड़े हैं उनसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ। और ये जहां तक आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये देश की जीत है, ये देश के लोगों की जीत है। और हमने अपने मैनिफेस्टो पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, एक अमन भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी जीत 2019 में हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 124 ए को रिपील करेंगे। जो दूसरी बात है आंकड़ों से मैं आपको बताता हूँ, 2014 और 2021 के बीच में जो देशद्रोह के 124 ए के अंतर्गत मुकदमे दाखिल हुए वो 400 से ज्यादा थे। 2009 और 2014 के बीच में जो 124 ए में सेडिशन के केसेस दाखिल हुए जो पुलिस ने लॉज करे देश भर में, वो सिर्फ जो थे सिर्फ 16 केस पूरे देश में लॉज किए गए, एफआईआर लॉज करी गई। तो किस तरीके से जहां पे 4 या 5 केस प्रति वर्ष पहले लॉज होते थे, एफआईआर लॉज होती थी, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़कर के 55-60 केस प्रति वर्ष हो गए। और ये किन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दाखिल करे? पाटीदार समाज जब वो आंदोलन कर रहा था तो उन लोगों के खिलाफ करे, जब किसान लोग अपनी बातें कहना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ देशद्रोह लगा दिया। आप पत्रकारों के खिलाफ, विनोद दुआ जी तक के खिलाफ, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके खिलाफ देशद्रोह का इन्होंने आरोप लगा दिया। कितने सारे जो लोग थे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मोदी सरकार की हो, योगी जी की पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट की अगर कार्य को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं से देशद्रोह नहीं बनता। और कहीं पर भी ये पूरे दुनिया में देश, किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि उसका इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा हो। और अब आप ये देखिए कि इनका कन्विक्शन रेट कितना था, सिर्फ 3% मुकदमों में ये लोगों को कन्विक्ट करा पाए केस से, उनको कोर्ट से सजा दिलवा पाए, बाकी 97% मुकदमे इनके कार्यकाल में फेल हो गए। उसके बाद आप देखिए कि इनकी पुलिस कितने मुकदमों में चार्जशीट दे पाई, सिर्फ 25% मुकदमों में ये चार्जशीट दे पाए, बाकी लोग मुकदमों में चार्जशीट भी नहीं दे पाए। तो इतने लार्ज स्केल पर इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा था उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि ये जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आर्ग्यूमेंट को खारिज किया। और हालांकि आज आपने देखा है कि किस तरीका का बयान जो है कानून मंत्री से आ रहा है, लेकिन रिजिजू जी कहते हैं, सवाल पूछ लीजिए, ठीक है, हो गया। अमन जी मैंने आपको नहीं टोका, आपने लगातार बात रखी, अपनी बात शायद कंप्लीट हो गई है। गौरव आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अमन लेखी जी और अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा। गौरव देखिए, अमन भाई या दूसरे अमन भी हैं, मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, सर्वोच्च न्यायालय में साथ हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, मैं तो आज के आदेश से पढ़ रहा हूं। आप ये किस आदेश से बता रहे हैं कि सोलिसिटर जनरल की जो बात थी उसको खारिज कर दिया गया है? जो मेरी जानकारी है कोर्ट में तो कपिल सिब्बल को फटकार लगी कि आप हवा हवाई बात कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी है जो वेबसाइट पे आया, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में आप ये यूनियन गवर्नमेंट का एफिडेविट है जहां पे आपकी सरकार ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट को। नहीं नहीं, आप ऑर्डर से बताइए, दखलअंदाजी मत करिए, ऑर्डर से अमन बताइए, कोर्ट को अपना टाइम, एक मिनट, ऑर्डर से बताइए कौन सी लाइन है, एफिडेविट, एफिडेविट माना जाएगा या ऑर्डर माना जाएगा? एफिडेविट है ये, देखिए ऑर्डर बताइए, ऑर्डर पेश कर रहा हूँ, और उसके बाद ये वाला जो एफिडेविट है इसका क्या है? ये आपके सामने सर पेश कर रहा हूँ, आप तो सीनियर वकील है, मेरे 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 कलीग है, 9 मई का एफिडेविट है आपका, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीच में तो हम लोग एक दूसरे के नहीं बोलते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी होम ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए इस याचिका पे, आपकी सरकार लिख करके दे रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? अब मैं बोल लूं प्लीज, ठीक है, चलिए अब एक एक करके गौरव आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है अमन, अमन आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, एक एक करके बोल लेते हैं, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है ना भाई, वो अब वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं, अब तो देशद्रोह वैसे भी रोक लग गई है तो अब कहां लगेगा उन पर, ठीक है ना, एक एक करके बोल लेते हैं। चलिए गौरव अब आप बोलिए एक एक करके।
देखिए आमन भाई, मुझे लगता है कि कमजोर विकेट पे आज हमारे छोटे भाई हैं, वो परेशानी में हैं। और यहाँ पे हमारे एक और वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं अमन लेखी जी, वो भी आपको तथ्य बता देंगे। मैं दो तथ्य बता के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पहली बात, आज के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा है कि सोलिसिटर जनरल ने जो कहा उसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया। कपिल सिब्बल को फटकार लगी, ये जरूर कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट हुई। दूसरी बात, एक एफिडेविट मेरे हाथ में भी है, ये भी यूनियन ऑफ इंडिया का ही है, अमन को हो सकता है जानकारी ना हो, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने 1500 पुराने धकियानूसी कानून हटाए हैं और दोबारा से हम पुनर्विचार करेंगे। और इसी एफिडेविट की वजह से अमन जी, सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि हम समय देंगे आपको, आप पुनर्विचार करिए, और तब तक ये रोक लगाई हुई है। तो मुझे नहीं पता कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो सर्वोपरि है या पुराना कोई एफिडेविट जो ये दिखा रहे हैं। ठीक है, रिव्यू तक रोक सही या नहीं अमन लेखी जी? रिव्यू तक रोक सही या नहीं अमन लेखी जी? बड़ी एक अनहोनी सी चीज हुई है। हाँ, बहुत अनहोनी है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अर्थ निकाला जाए तो उसका मतलब है लॉ वो नहीं है जो पार्लियामेंट बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट ठीक करेगी, और जुडिशरी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि लॉ को वो करेक्टली इंटरप्रेट करेगी। बहुत अजीब सी चीज़ है। स्टैट्यूट की प्रोविजन स्टैंड करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अल्ट्रा वायरस है, पर चाहे स्टैट्यूट में है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इसके बारे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। नाउ अब्यूज़ बाय इटसेल्फ किसी प्रोविजन को नाकार नहीं करता, और जब तक प्रोविजन है उसके प्रोविजन का ऑपरेशन भी रहेगा। ये बेसिक चीज़ होती है कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते अब्यूज़ है अब 124 से कभी यूज़ नहीं होगा। द इफेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का है कि 124 से यूज़ नहीं होगा। अब इसका प्रॉब्लम इसका किए थे सरकार ही अपने ऊपर लेकर आई है। पहले टाइम लिया जा रहा था बहस करने का, इस पर टाइम नहीं लेना चाहिए था बहस करने का। फिर एफिडेविट दिया गया जो बोला है कि हमारे को और समय दो हम करेंगे। जो 124A है, सब बोलते हैं ये कॉलोनियल वेस्टीज है, कॉलोनियल वेस्टीज नहीं है। तिलक के केस के अंदर जो 124A लगा था वो जो आज का 124 है अलग है। सो जो एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया वो एफिडेविट ही गलत था, और उनका ये कहना कि हमारे को समय दो ये बिल्कुल सही नहीं था। और मुझे लगता है इसके अंदर कोई भी पार्टी ने अपने आप को किसी भी तरीके से एक करेक्ट लाइट में दिखाया नहीं है। द कोर्ट ने अपनी ड्यूटी फोरफीट की है इन अप्लाइंग द लॉ, एग्जीक्यूटिव ने अपनी ड्यूटी फोरफीट करी है इन एनफोर्सिंग द लॉ, एंड लेजिस्लेचर को एकदम नाकाम कर दिया है कि उसका लॉ ही नहीं बचा। आप कह रहे हैं कि अब्यूज होने पर यूज ही ना हो, ये अलग तरह का प्रेसिडेंट है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक सर, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया का भी एक कमेंट ले लेता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया, रोक सही या नहीं? बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जिस तरह का कानून था और जिसका दुरुपयोग लगातार सरकारें करती चली जा रही थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। और ऐसा कानून जिसको राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दो कानून है, हमें समझना चाहिए। राष्ट्रद्रोह कानून, तो एक कानून ऐसा होना चाहिए जो जाहिर सी बात है कि जब कोई बहुत बड़ी बात राष्ट्र के खिलाफ कोई कर रहा हो, कोई राष्ट्र के खिलाफ साजिश कर रहा हो, ऐसे में कोई कानून बनता है, कानून लगता है तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ दिनों से राजद्रोह तो ऐसा बना दिया था कि अगर आपने पेपर में कुछ लिख दिया सरकार के बारे में तो उन्होंने आप पे राजद्रोह लगा दिया, आपने अपने चैनल पे कुछ बोल दिया तो राजद्रोह लग सकता है। तो ये जो राजद्रोह लगाया जा रहा था जैसे रेवड़ी की तरह लगाया जा रहा था, ये कितनी खतरनाक चीज थी, सोचिए आप कितना दुरुपयोग हो रहा। अगर आपको मात्र आप अपनी बात कहें कोई रिपोर्ट आप पेश कर सकते इस पर आपको राजद्रोह लग जाएगा, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी। कितने उत्तर प्रदेश में पत्रकार पे लगा, आप पे भी कई मुकदमे लगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मुकदमे ठोक देती है, जहां कांग्रेस की सरकार है वो मुकदमे ठोक देती है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अनुराग, मिसयूज अब्यूज तो कई कानून का है, डाउरी एक्ट का भी है। नहीं नहीं, आप समझिए, अगर किसी लॉ के अब्यूज से उस लॉ को का यूज ही बंद हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? मतलब जो अभी डॉक्टर रिजवान ने कहा, जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, अभी चाकू से सब्जी भी कटती है, मर्डर भी होता है, चाकू का इस्तेमाल थोड़ी ना बंद हो जाता है। डाउरी एक्ट का भी मिसयूज है, बहुत चीजें हैं जिसका मिसयूज है। तो एक्ट ठीक जो अभी अमन लेखी ने समझाया, सीनियर एडवोकेट,
कि अब्यूज का मतलब ये नहीं है कि उसका यूज ही ना होगा, वो तो दुरुपयोग रोकना है ना। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने एक शब्द बोला कानून रोकना या दुरुपयोग रोकना। आपने सुना नहीं, मिसयूज, दुरुपयोग, यही तो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने राजद्रोह मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन राष्ट्रद्रोह अलग चीज है। जब राष्ट्र के खिलाफ कोई बात होगी, लेकिन यहाँ दिक्कत दूसरी है, यहाँ सरकार राजद्रोह के, अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बात कहोगे तो उसको राष्ट्रद्रोह में मान लिया जाता है। लोकतंत्र में राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता है भाई? सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है उसके ऊपर उंगली उठाना, सरकार में अगर करप्शन, उसके खिलाफ टुकड़े होंगे पर देशद्रोह सही है, राजद्रोह कर दोगे आप? चिकन ने काटने की धमकी पर देशद्रोह सही है, सवाल पूछने पर देशद्रोह गलत है, आप ये कह रहे हैं? इसको थोड़ा और रिफाइन करने की जरूरत है। मतलब ये तो नहीं ना टुकड़े गैंग की दिवाली हो जाएगी आज भाई, देशद्रोह कानून पर रोक, टुकड़े गैंग की दिवाली, ऐसा तो नहीं ना भाई? भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल गुरु वो सारी शर्मिंदा है वो सरकार, अब वहां तो लगना चाहिए ना फिर। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार के खिलाफ अगर कोई बात आप कह रहे हो, जो सरकार, चूंकि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, सरकार कोई गलत काम कर रही है तो सरकार को टोकना, सरकार के खिलाफ उसको जनता को कहना कि सरकार गलत काम कर रही है, उस पर अगर सरकार कहेगी नहीं हम राजद्रोह लगा देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में पत्रकार पे लगाया, बाद में उसकी डेथ होगी, अलग बात है। आप राजद्रोह क्यों लगा दोगे भाई? आप किसी की बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी छीनोगे? लिखने पढ़ने पे आप राजद्रोह लगा दोगे? लेकिन ब्लैंकेट बैन, राजद्रोह की परंपरा, ठीक है आप कह रहे हैं मिसयूज रोकना, ठीक है गौरव, गौरव मिसयूज आ रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान एक मिनट आ रहा हूँ, पहले कमेंट गौरव का। गौरव आपने सुना सबको, मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा था कि भाई रोक कोई ऑप्शन है क्या? अमन लेखी कह रहे हैं ब्लैंकेट बैन गलत है, मतलब अब्यूज हो रहा तो यूज ही नहीं होगा तो वो गलत है, ब्लैंकेट बैन गलत है, इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा। अभी देखिए अनुराग को इतना दर्द हो रहा था, वो बता रहे थे कि उनका दर्द तो अब जिंदगी भर रहने वाला है, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कुछ बातें कहूंगा जो अमन जी ने भी कही, बिल्कुल सही बात कही। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम ऐसे जजमेंट्स हैं अमन जी, जिसमें दुरुपयोग किसी कानून का हो तो वो गैर संवैधानिक नहीं हो जाता है, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है, अभिव्यक्ति की आजादी और साथ में संतुलन बना के रखना है कानून व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर, ये भी ध्यान में रखना है, और इसके बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन क्योंकि राजनीतिक बात हुई तो मैं उस पर जरूर एक टिप्पणी कर दूं, ये वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जगेंद्र सिंह एक पत्रकार था, सेडिशन का केस छोड़िए, उसने मिट्टी का तेल अपने पे डाल के आत्महत्या करी। आप बताइए पत्रकारों को ये इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था? ये वो समाजवादी पार्टी है, एक चैनल ने इनकी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उस चैनल की बत्ती गुल करके उसको बैन करा दिया था उत्तर प्रदेश से, उसको न्यायालय जाना पड़ा था। और आज मैं केवल इतना कहूंगा, एक ऐतिहासिक भूल जो 74 साल तक कोई सुधार नहीं पाया, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी अब प्रयास करके पुनर्विचार कर रहे हैं तो इन लोगों को दर्द ये है कि ये लोग चाहते हैं कि जो दंगाई हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके साथ ये खड़े रहे, लेकिन अभी इतने मजबूत कानून इस देश में है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अमन जी, जो जनता की आज चिंता है ना, तो UAPA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये सारे एक्ट हैं जो आज भी सरकार के पास ताकत है कि वो मुकदमे लगाए। और यासीन मलिक जो पूर्व प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री के आवास में हाथ मिलाता था, आज कबूल कर रहा है उसने अपराध किया है, जेल की सलाखों के पीछे है। ये फर्क है श्री नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की सरकार और ये जो 6 इंच की छाती वाले विरोध कर रहे हैं। रिजवान मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए अनुराग, सुधार की जरूरत है, कानून पर रोक थोड़ी ना। बिल्कुल, लेकिन अमन जी अभी बात हुई पत्रकारों पे, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में देवरिया में पेपर लीक की बात अगर पत्रकार ने बता दी तो उसपे FIR करके जेल भेज दिया गया। अगर एक पवन नाम के व्यक्ति ने अगर मीट डेल में घोटाले की बात कह दी तो उसके ऊपर लग गया, उसे जेल भेज दिया। सोचिए आप, ये पत्रकार के ऊपर में सबसे ज्यादा अत्याचार आदम था, आप क्यों नहीं कर पाते, बबुआ क्यों नहीं कर पाते? चलिए बीच में नहीं बोलते हैं, आपको याद है पत्रकारों आजम खान की भैंसे ढूंढने भेजते थे, भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो सभ्यता बीच में नहीं बोल रहे हैं, आज बदले बदले से हैं, सनातन धर्म को आज बदले हैं, इसलिए मैं कहता है कि जब कोई बोल रहा होता है तो उसको सुनना चाहिए। जी जी हाँ, ये सनातन धर्म ही अपना लो, सनातन धर्म कहता है जब कोई बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसका जवाब दो। अनुराग एक सवाल है मेरा, आप एक मिनट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं पत्रकारों पर लगाया गया तो गलत था, तो शर्जील पर लगा था और उमर खालिद से इस पे सही लगा था ना, इन पे सही लगा था ना, गलत
कहीं भी दुरुपयोग अगर हो रहा है तो वहां दुरुपयोग था, वहां दुरुपयोग था या नहीं, बस ये पूछ रहा हूं। जिस तरह से डाटा, मेरी बात सुनिए, जिस तरह से डाटा भी दिया गया, हमारे एक साथी डाटा दे रहे थे, अनुराग डेटा मेरे पास भी है, 13,000 लोग जेलों में बंद है देशद्रोह कानून में, ये आज कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया। मेरा सवाल है, आपने बोला पत्रकारों पर लगाया गलत था, जो शर्जील पर लगाया, उमर खालिद पर लगाया, इन लोगों पर लगाया, क्या ये भी गलत था भाई? अरे मैं उसका भी जवाब दूं, पहले मैं अपने शब्द पूरे कर लूं, नहीं तो रह जाएगी मेरी बात। मैंने कहा था पत्रकारों पे, जिनका नाम लिया मैंने, दोनों पत्रकारों पे इन्होंने एफआईआर करके जेल दी, इसके मतलब कि आप तानाशाही अपनाना चाहते थे। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से लेके एक और दूसरे प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसपे इसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है सोचिए आप। अनुराग, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, आप मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने बोला पत्रकारों पर लगाया गलत, चलिए ठीक, शर्जील, अब मेरा सवाल ले लीजिए, जिसने चिकन नेक काटने की बात करी या टुकड़े टुकड़े वो गैंग, वो उन लोगों पर लगाया, शर्जील इमाम, उमर, वो भी गलत था क्या या वो सही था ना? मेरी नहीं, मेरी बात सुनिए, जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, कोई राष्ट्रद्रोह की बात हो रही है और राष्ट्र के खिलाफ, वो राष्ट्रद्रोह था या नहीं था, वो देशद्रोह था या नहीं था, राष्ट्र के खिलाफ कोई, सुन तो लीजिए, राष्ट्र के खिलाफ कोई साजिश होगी, राष्ट्र को कोई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ अमन भाई, आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। इसके जरिए वो पूरी दुनिया को, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा। तो बहस यही कि क्या देशद्रोह कानून को खत्म कर देना चाहिए, रिपील या रिफॉर्म, सुधार या रोक, बदला या बदलाव। अमन पवार कांग्रेस पार्टी से, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अमन लेखी जी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद, अनुराग भदौरिया हैं और गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। अमन भाई, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से अमन लेखी, अमन पवार मेरे साथ है। अमन जी, फिर सवाल ये उठ रहा है कि मतलब क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे ये देशद्रोह है या नहीं है, या अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा ये देशद्रोह है या नहीं है, या चिकन ने काटने की, ये तो देशद्रोह है ना अमन भाई? देशद्रोह है। देखिए अमन जी, बड़े बड़े साधारण शब्दों में मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि किस तरीके से इस कानून का दुरुपयोग भाजपा के कार्यकाल में हुआ। और बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ गौरव भाटिया जी अपनी पीठ पर थपथपा रहे हैं कि हमने एफिडेविट दिया और हमने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम इस पर पूर्ण विचार कर रहे हैं, और उसी समय पर आपने देखा कि कैसे किरण रिजिजू जो हैं, जो कानून मंत्री हैं, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए थी। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। और ये किस लिए ऐसे बयान आ रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी बात बोलता है देशद्रोह कानून के खिलाफ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, देशद्रोह कानून के, उन्होंने जो आज कानून मंत्री का बयान आया कि लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए थी, वो इस संदर्भ में आया कि जो भाजपा की सरकार थी उसका ये पसंदीदा हथियार बन गया था। उसी पर आ रहा हूँ सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही के पास, मैं कहीं और नहीं जा रहा, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं अमन जी। मेरा सवाल, मतलब आप मूलतः देशद्रोह कानून के 124A के खिलाफ है, ठीक? देखिए, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में यह बताया शुरू में कि किस तरीके से 97% मुकदमों में कोर्ट से जिनके खिलाफ भाजपा ने देशद्रोह का कानून लगाया वो बरी हो गए। अमन, 75% मुकदमों में कानून के, हाँ या ना कर दीजिए, क्या यही तो बात बता रहा हूँ, यही तो बात बता रहा हूँ कि दुरुपयोग जब जिस कानून का लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा, तो उस कानून के ऊपर पूर्ण विचार करने का जो आज माहौल सरकारें कर रही हैं, ये भी तो भाजपा के द्वारा ही बना है। आप लोग देशद्रोह कानून के खिलाफ हैं, तो आपकी सरकारें क्यों थोक में देशद्रोह कानून लगा रही हैं? हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया 2019 में। बिल्कुल सही बात है, मैंने वो मैनिफेस्टो, बिल्कुल सही बात है। मेरा सवाल है अमन, अमन मेरा सवाल, एक मिनट सवाल सुन लीजिए अमन, इसको खारिज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोगों ने देशद्रोह कानून खत्म करने की मांग की, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र भी किया था, और मूलतः आप लोग देशद्रोह कानून 124A के खिलाफ है, ठीक है? मेरा सवाल है, एक मिनट अमन, मेरा सवाल है, अगर आप लोग देशद्रोह कानून के इतने खिलाफ है मूलतः, तो आपकी सरकारें, जहां आपकी सरकारें क्यों थोक में देशद्रोह कानून लगा रही हैं लोगों पर, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? मैं आपको पहले सबसे एक बात बताऊं कि देशद्रोह कानून एक लौता कानून नहीं है जो इन परिस्थितियों में ऑपरेट करता है।
जैसा कि बताया बाकी प्रवक्ताओं ने, यूएपीए है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सवाल आईपीसी है, आप लोग खिलाफ है, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां थोक में देशद्रोह कानून लगाया जा रहा है, आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, हाँ या ना? मैं आप कंपैरिजन निकाल लीजिए, नहीं नहीं, और मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ, वो तो साथ में है ना, कंपैरिजन दिया, कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है, बीजेपी तो देशद्रोह कानून के साथ है, आप लोग खिलाफ हैं, तो आपकी सरकारें क्यों देशद्रोह कानून लगा रही हैं? अमन जी, मैं बता रहा हूं आपको, हमारी सरकारें एक उपयोग और दुरुपयोग का फर्क बता रहा हूं, 2009 और 2014 में सिर्फ 16 मामले, चालीसा पर देशद्रोह उपयोग या दुरुपयोग? सर एक मिनट रुकिए, मेरी आंकड़े भी, एक मिनट, आंकड़े जो एनसीआरबी के आंकड़े है उन्हीं से बता रहा हूँ, 2009 और 2014 के बीच में देश भर में 16 मुकदमे दर्ज हुए, 2014 और 21 के बीच में 7 साल के अंदर 400 से ज्यादा मुकदमे। भाई इन आंकड़ों का वो तो पक्ष में है ना देशद्रोह के, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, एक बार आराम से सुनेंगे आप समझ में आएगा, एक मिनट सुन लीजिए, मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए अमन भाई, एक मिनट, बीजेपी देशद्रोह कानून के पक्ष में है, ठीक, वो रिव्यू के, वो रिपील के, एक मिनट, मेरा सवाल है, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं देशद्रोह कानून का, मेरा सवाल ये अमन भाई आपसे, आप लोग देशद्रोह कानून के खिलाफ है, आप कहते हैं देशद्रोह कानून नहीं होना चाहिए, हमारी जीत हो गई आज, तो जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां क्यों थोक में देशद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये मेरा सवाल। स्पष्ट कर देता हूं कि हम देशद्रोह कानून के दुरुपयोग के सख्त खिलाफ है, दुरुपयोग के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में गलत लगाया, राजस्थान में गलत लगाया, थोक में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो जहां केसेस हैं, जहां पर अगर जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, अगर कोई 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 कहता है कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हो तो देशद्रोह कानून लगना चाहिए, पर क्या इसका मतलब है कि आप अमन, जर्नलिस्ट पे अमन, जो, अमन, अमन, जो हनुमान चालीसा पर देशद्रोह उसके ऊपर लगे, हनुमान चालीसा पर 124 सही या नहीं कि सरकार की पॉलिसीज उनकी नीतियों की आलोचना करने पर देशद्रोह, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना अमन जी, क्या इसका मतलब अमन, है कि जो जो स्टूडेंट सुन नहीं रहे, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना, पकड़ के बंद कर देना चाहिए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना, हनुमान चालीसा पर लगाना देशद्रोह, हमारा समर्थन है सरकार, आप उसके खिलाफ है, चलिए अच्छी बात है, बोल दीजिए नवनीत राणा दंपत्ति पर देशद्रोह के खिलाफ हूं मैं, बोल दीजिए आप, मेरे पास तो ये तो खबर है, अगर आप उसके खिलाफ है, ये शिवसेना का फैसला था, आपको एक बात बोल रहा हूँ सर, जी जी स्पष्ट बात बोल रहा हूँ जी, कि जहां 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 जिस तरीके से इस देशद्रोह कानून का दुरुपयोग भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, सर जिस तरीके राणा से दंपत्ति पर देशद्रोह उपयोग या दुरुपयोग, 100x 100 times ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो दुरुपयोग, राणा दंपत्ति पर, राणा दंपत्ति पर देशद्रोह 124 से उपयोग या दुरुपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ देशद्रोह लगाया था, वो सही था कि गलत था, आपके बहुत सारे, आपको पता है पिछले साल और अब तक 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट को अमन, मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप लोग मेरा सवाल ये है, महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति पर देशद्रोह सदुपयोग या दुरुपयोग, आप बस सीधा सा सवाल, 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट योगी सरकार और मोदी सरकार बंद कर चुकी है देशद्रोह कानून में, क्या वो सही है कि गलत, तो गलत ना मैं बोल रहा हूँ गलत, आप बताइए जो महाराष्ट्र में लगा सदुपयोग या दुरुपयोग, जो वो कोर्ट तय करेगा आप भी हमने तय करेंगे, तो अभी आप वो वाला वो भी कोर्ट तय करेगा, फिर वो यूपी वाला भी कोर्ट तय करेगा, फिर आपने क्यों तय कर दिया, पर जिस तरीके से फिर अमन भाई आपने कैसे तय कर दिया, वो भी कोर्ट तय करेगा, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए, आप लगाए तो बढ़िया, वो लगाए तो दुरुपयोग, आप लगाए तो उपयोग सदुपयोग, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से जितने आप कह रहे हैं हम 124 के खिलाफ, आपकी सरकारें थोक के भाव में देशद्रोह लगा रही है, पूछिए कि क्यों लगाया विनोद दुआ पे देशद्रोह, सर आपकी सरकार नहीं लगा रही क्या पत्रकारों पर, वो लगा रहे हैं तो गलत, वो लगा रहे हैं तो दुरुपयोग, आप लगा रहे हैं तो सदुपयोग, सवाल पूछने की क्या सर, आप लगा रहे जर्नलिस्ट को बंद कर चुकी है भाजपा, आप उनसे क्यों नहीं, आप क्या कर रहे हैं भाई, वो तो कह रहे हैं वो देशद्रोह कानून के साथ है, आप कह रहे हैं खिलाफ है, अभी तो उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बोला सुप्रीम कोर्ट को स्टे करने के लिए, वो रिव्यू के लिए बोला है, असलियत बाहर निकल के, रिव्यू के लिए बोला है, रिपील के लिए नहीं बोला, आप समझ ही नहीं पा रहे डिबेट सर, रिपील और रिव्यू में फर्क होता है, मेरी बात सुनिए, रिपील और रिफॉर्म में फर्क होता है अमन भाई, बात बताइए, रिपील रद्द, रिफॉर्म बदलाव, आप समझिए क्यों गुमराह कर रहे हैं, चलिए सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लेना है, आप ये सवाल स्टेट से पूछ रहे हैं, अगर आप सब लोगों को इतना ही वो है तो आपको आपको तो समर्थन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हूँ, लेकिन आप किधर है, साथ है खिलाफ है, अगर आप खिलाफ है तो आपकी सरकारें क्यों ठोके भाव में देशद्रोह लगा रही है, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, महाराष्ट्र में आप देशद्रोह लगा रहे हैं, राजस्थान में आप देशद्रोह लगा रहे हैं, वो सदुपयोग है, मैनिफेस्टो में पत्रकारों पर देशद्रोह आप लगाएं तो सदुपयोग, वो लगाएं यूपी में लगे तो दुरुपयोग, सरकार से पूछिए, ऑपोजिशन से सारी जिंदगी सवाल पूछेंगे क्या सर, उनसे भी तो पूछ रहा हूँ, अब आपसे दो सवाल पूछ लिए, अब यहाँ पे भी लग जाएगा देशद्रोह, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, देशद्रोह लग जाएगा,
महाराष्ट्र में लगा दिया, देशद्रोह लग गया। अमन भाई सीधा सा सवाल था, सदुपयोग या दुरुपयोग? सीधा सा जवाब ये है अमन जी, ठीक है, नहीं सर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आईपीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, स्टेट का कानून तो है नहीं। अमन लेखी जी के पास जा रहा हूं, फिर डॉक्टर रिजवान आपके पास, पहले सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अमन लेखी जी। अमन लेखी जी, रिपील या रिफॉर्म, बदला या बदलाव, रोक या सुधार? नहीं, रिफॉर्म, रिफॉर्म इफ एट ऑल। मेरे हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट था बिल्कुल गलत था, जिस तरीके से मैटर हैंडल हुआ होना नहीं चाहिए था। पहले बहस पे डिले हुआ और फिर एफिडेविट हुआ कि ये कॉलोनियल वेस्टीज के लॉज को हम रिकंसिडर कर रहे हैं, और अगले ही पैराग्राफ में उन्होंने सेडिशन की बात करी। जो सेडिशन का लॉ है कॉलोनियल वेस्टीज का नहीं है, तिलक के बारे में जो बात करते हैं, जो सेडिशन तिलक पे लगी थी और जो सेडिशन का लॉ आज है एकदम भिन्न है। और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ ने बोला था वो कंसिस्टेंट है आर्टिकल 19 और 21 के साथ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट करी ये मान के कि ठीक है इसका दुरुपयोग हो रहा है, हम कॉलोनियल वेस्टीज के लॉज को हम रिकंसिडर करना चाहते हैं। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी कोर्ट को ये ऑर्डर पास करने की, क्योंकि कोर्ट ने बोला जिसने ये लॉ इम्प्लीमेंट करना है वो खुद ही बोल रहा है कि इस लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है, लॉ को रोक लगा दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलना ही नहीं चाहिए था, जो बोलना चाहिए था ये है कि जो लॉ है वो सही है, और क्योंकि लॉ सही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है या बोलना या लॉ गलत है या इन एक्सट्रीम सिचुएशन बताना कि लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं बनता कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा और वो इन सम वे अबेयंस में चला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया गलत किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो भी गलत किया, और ये जो गलती का जो नुकसान है वो हम सहेंगे, क्योंकि जो सेडिशन का लॉ है बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड है। और मैं पैनलिस्ट को सुन रहा था ना NSA इसको सब्सटीट्यूट कर सकता है ना UAPA सब्सटीट्यूट कर सकता है। UAPA और NSA दोनों भिन्न कानून है, NSA प्रिवेंटेड डिटेंशन है, UAPA टेररिज्म है। सेडिशन इज ओनली 124A और ये किसी और से सब्सटीट्यूट नहीं होता, और मेरे हिसाब से जो हुआ है एकदम गलत हुआ है। ठीक है गौरव, एक मिनट डॉक्टर रिजवान, उससे एक बार पहले गौरव, उसके बाद डॉक्टर रिजवान, एक मिनट गौरव से सवाल, क्योंकि अमन लेखी जी ने पूछा कि सर आप लोगों ने तो रिव्यू की मांग करी थी, रिव्यू आप लोग चाह रहे थे, रोक लग गई, अमन लेखी को आपने सुना? नहीं, अमन जी मेरे सम्मानित साथी हैं और मैं इतना ही कहूंगा कि उनका तजुर्बा कोर्ट में बहुत है, लेकिन जो एफिडेविट केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है जिसको मैंने आपके समक्ष भी रखा, वो ऐतिहासिक है अमन जी। वो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सरकार ने इसको एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं माना, सरकार ने माना कि इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और उसके बाद ये निर्णय और ये फैसला कोर्ट के समक्ष रखा। अब समय मिल गया है, और इस पे टिप्पणी करना किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का काम नहीं है कि आगे क्या फैसला लिया जाएगा। जो फैसला लिया जाएगा वो देश के हित में होगा, ये यकीन जनता को भी है। अमन लेखी और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, अमन लेखी कह रहे हैं, कह सकता हूं, अमन लेखी जो कह रहे हैं कि रिव्यू तो आप ही मांग रहे थे, रिव्यू तो आप ही मांग रहे थे, तो रोक लग गई, आप लोग मांग रहे थे ना रिव्यू? नहीं बिल्कुल, मैं तो उनकी जो ये उन्होंने तथ्य उजागर किया है वो लाइन भी पढ़ दूं कि हमने ये अब फैसला किया है कि हम री एग्जामिन और रिकंसिडर करेंगे सेक्शन 124A को, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, तथ्य सही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये सबके सामने जब आएगा तो मैं समझता हूँ उसकी गुणवत्ता पे भी चर्चा हो सकती है। रोक सही है इसका मतलब? और अमन जी अब मैं एक बात और कह लूं अगर आप बोलिए, डॉक्टर रिजवान उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हाँ धन्यवाद। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता है मेरे साथी अनुज हैं, एक बात जरूर कहूंगा, उन्होंने बार बार कहा 2009 से लेके 2014 तक इतने राजद्रोह के मामले थे, 2014 के बाद बढ़ गए। वो वकील भी हैं, क्या प्रदेश की सरकारें राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकती? और उन्होंने कहा कन्विक्शन रेट नीचे था, तो प्रोसिक्यूट कौन करता है? प्रदेश की सरकारें। और ये आंकड़ा मैं जरूर दे दूं कि 56 बार झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार है ना, NCRB का 2020 का डेटा है, राजद्रोह का नहीं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, मतलब जिसमें फांसी की सजा है और संगीन अपराध है, वो 56 बार लगाया है झारखंड की सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने 0,
उत्तराखंड ने शून्य, तो अभिव्यक्ति की आजादी के दुश्मन कौन? कांग्रेस पार्टी। पहला संशोधन संविधान में आर्टिकल 19(1)A में किसने किया? कांग्रेस पार्टी। केदारनाथ का फेमस केस 1962, बिहार में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी। 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट संशोधन किसने किया जिसको गैर संवैधानिक पाया गया 2008 में? कांग्रेस की सरकार। ये सब दिखाता। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी। सो अभिव्यक्ति की आजादी से इनको नफरत रही है। अब हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करके सशक्त बना रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि ये देश से गद्दारी करते रहते हैं। चलिए डॉक्टर रिजवान पहले आप, उसके बाद अमन आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान बहुत देर से वेट कर रहे हैं और अनुराग उसके बाद बोलेंगे। डॉक्टर रिजवान, फिर वही सवाल, रिपील या रिफॉर्म, रोक या सुधार? अभी इतनी देर से मैं आराम से बैठा था, सब हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, मैं तो ट्रायल कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन का छोटा सा वकील हूं, लेकिन कभी कभी भाई साहब अमन भाई लॉ में ऐसा होता है, हम छोटे वकीलों को डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रायल कोर्ट में बहुत सी ऐसी कानून की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते छट जाती हैं या छन जाती हैं। बात हो रही थी कि 2007 से 2014, 2014 से 2019, 1987 में एक आर्टिकल आया था, अभी कुछ दिन पहले 1987 में गुजरात में 2000 लोगों पर टाडा लगा हुआ था, जिस टाइम पंजाब में इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी, और टाडा गुजरात में ज्यादा लोगों पर लगा था बनिस्बत पंजाब के, जिसमें 60 बच्चे थे और एक 80 साल का अंधा था। तो यह तो बात हुई दुरुपयोग की कि वो सब ने किया है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा हम जो लोअर कोर्ट में देखते हैं 376 और 377 का दुरुपयोग। आजकल एक औरत जब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फेमिनिन जेंडर जब एक दहेज का मुकदमा लिखाती है, पूरे ससुराल को बलात्कारी बना देती है, ससुर बलात्कारी, जेठ बलात्कारी, साला बलात्कारी, सब कोई बलात्कारी, और हस्बैंड पे क्योंकि बलात्कार का मुकदमा नहीं लगा सकती, अभी दिल्ली कोर्ट में भी इस पे ऑर्डर आया है, उस पर अननेचुरल सेक्स 377 लगा देती है। और जहां तक बात हो रही थी कन्विक्शन रेट की, सेडिशन में तो स्टेट एक मुकदमा चलाता है, रेप जैसे में जहां एक प्रोसिक्यूटरेस होती है, एक विक्टिम होता है, वहां का कन्विक्शन रेट 25% है। तो मेरा एक सजेशन है कि जब तक जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म ना आए, एक साल के लिए पूरे कानून को ही स्टे कर देना चाहिए, सीआरपीसी आईपीसी सब स्टे कर दो एक साल के लिए। इस हिसाब से अगर दुरुपयोग की वजह से स्टे किया जा रहा है तो मेरा सजेशन है भैया पूरी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट स्टे कर दो एक साल के लिए, एक साल में रिव्यू करो, फिर नया कानून लेके आओ और पीछे के मुकदमे आगे ट्रांसफर कर दो। अमन पवार बोलिए। अमन पवार देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो इसका कंपैरिजन है, जिस तरीके से हम प्राइवेट मुकदमे जो डाउरी वाले हैं या जो 498A वाले मैरिटल मुकदमे हैं, उससे हमें 124A का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो जो कंप्लेनेंट होती है या वो हस्बैंड वाइफ के बीच की वो टकरार होती है, उससे वो मुकदमे निकल करके आते हैं। यहाँ पे 124A जो भी मुकदमे थे वो उन केसों में दर्ज किए जा रहे थे जहां सरकार की आलोचना हो रही थी और सरकार द्वारा मुकदमे दर्ज हुए जा रहे थे, तो दोनों केसों का कोई मेरे ख्याल से कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, आप बार बार महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुझे पता है अमन जी आपका खास दिलचस्प है उसमें, आप कभी बीजेपी वालों से नहीं पूछेंगे, मैं क्योंकि मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र कोर्ट ने भी उनको वार्न किया, राणा जी को वार्न किया, आपने स्टेप ओवर, आप मेरे को ये बताइए, जब कोर्ट उनको वार्न कर रहा है जो अक्यूज्ड हैं राणा, कि आपने ओवर स्टेप की अपनी बाउंड्री करके, तो आप कोर्ट को भी गलत बताएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब वो मिसयूज नहीं है ना फिर? आप मिसयूज नहीं है ना फिर? अगर कोर्ट कह रहा है तो कैसे मिसयूज है? मिसयूज नहीं है। आप ये बताइए आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते कि 100 से ज्यादा आपके पत्रकार मित्रों को क्यों उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे भेजा पिछले एक साल में? दस नाम पढ़िए 100-100 बार बार कर रहे हैं। अभी गौरव जी ने बोला, मैं पढ़ूंगा, अमन चोपड़ा, अभी देवगन, अर्णब गोस्वामी, 17 मुकदमे पिछले साल 124A में यूपी सरकार ने दर्ज करे,
सेडिशन के मामले 17 तो पिछले साल आपने दर्ज करे हैं। मैंने आपको चुनौती दिया, चुनौती स्वीकारिए। 10 नाम बताइए इसी शो पे। मैं वरना अमन चोपड़ा, अमित देवगन और अर्णब गोस्वामी, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों ने प्रताड़ित किया, दुरुपयोग किया, अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप 10 नाम बताइए। आपने 100 बोले, मैं 10 पूछ रहा हूं, बताइए 10 नाम केवल। बार बार पूछूंगा, नहीं बता पाएंगे। अगर नामों की सूची पे डिबेट, मैं अभी नामों की सूची आपको आपको एंकर क्यों नहीं, क्यों नहीं अमन जी? हाँ। अमन जी आपको मैंने आपको बताया, आपने सेक्शन 121, नहीं ये गलत बात है, तो फिर ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए। मैंने आपको, सुनिए अमन, मैंने आपको क्या दिखाया, एनसीआरबी डेटा, 56 सेक्शन 121 के केसेस आपने दर्ज किए झारखंड सरकार ने। अब बताइए 56 फांसी की सजा है, दुरुपयोग है या नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है या नहीं है। और इसके साथ झारखंड में, राजस्थान में 4, जब आप कहते हैं मैनिफेस्टो में कि राजद्रोह खराब है, इसको हटाना चाहिए, तो फिर आप क्यों उसका प्रयोग राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में कर रहे? छत्तीसगढ़ में एक 53 साल का बुजुर्ग आदमी कहता है पावर कट कर रहे हैं और आप उस पर राजद्रोह लगा देते। झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष था उस पे आपने राजद्रोह लगा दिया। ये होता है जिससे आप मुकदमे लगाते। 67 जर्नलिस्ट अरेस्टेड इन 2020। तो ये कहा लिखा है, ये कहा लिखा है कि बीजेपी की सरकार है? एक मिनट, ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नलिस्ट इन यूपी, और ये कहा लिखा है, ये बीजेपी सरकार, नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अरेस्टेड इन यूपी। अरे सर, कम से कम तथ्य तो पढ़ के आइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, सुनिए, अरेस्टेड इन यूपी, प्लीज। आपने अभी कहा 100, आप सुनिए, आपने अभी बोला, चिल्लाइए मत। एक तो सर 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं, 67 भाजपा की सरकारों ने, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, 100 भाजपा की सरकारों ने जर्नलिस्ट पे मुकदमे करे, कहां है वो न्यूज़ दिखाइए। इसमें बीजेपी की सरकारों ने लगाए, ये कहां ये सिर्फ इतना कहता है। 2020 में कांग्रेस कांग्रेस की सरकार में, यूपी में किसकी सरकार थी? 17 जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। मैं आपको अपना समय दे रहा हूं, आप बताइए किसकी सरकार आप मुझे ये नहीं आप मुझे ये बताइए बीजेपी की सरकार ने पत्रकारों को 100 को अरेस्ट किया, ये बताइए। लाइन पढ़ बिल्कुल 67 को 2020 में अरेस्ट किया, माफी मांग लीजिए। अब बताइए आपस में पत्रकारों पर सेडिशन का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर, वो बता रहे कि बीजेपी ने लगाया, आप बता रहे कांग्रेस ने लगाया, सेडिशन का कंपटीशन चल रहा है ना पत्रकारों पर, सेडिशन का कंपटीशन मतलब सवालों पर, वही मैंने जो सवाल उठाया शुरुआत में, कह रहे थे कि हटना चाहिए, वैचारिक विद्रोह, देशद्रोह है, तो मिस यूज तो हो ही रहा था ना। मतलब एक मिनट गौरव, ये जो अमन का सवाल है और वही मेरा भी सवाल है, भाई मिस यूज तो हो ही रहा, चाहे वो लगा रहे हैं चाहे आप लगा रहे हैं, ये भी कम नहीं लगा रहे हैं और आपने आप लोगों ने भी लगाए, तो मिसयूज तो हो ही रहा था ना, इस यही तो आपत्ति थी, बस मिसयूज के नाम पर रोक लगा देना सही या नहीं, ये मेरा सवाल। उत्तर दे दो। हाँ बोलिए बोलिए गौरव, फिर अनुराग आ रहा हूं। हाँ अमन जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, विधायिका का काम है कि वो नया कानून लाए या संशोधित करे या पूरा रिपील कर दे। कोर्ट दुरुपयोग के आधार पे, ये कई सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है, किसी भी कानून को गैर संवैधानिक नहीं बता सकती है। इसीलिए केंद्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और कहा ये जो पुराना कानून है इस पे हम पुनर्विचार करेंगे। इसका जनता भी स्वागत कर रही है और मैं समझता हूं विपक्ष को भी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खुद ये दलील अपने मैनिफेस्टो में रखती थी। ठीक है, अब मेरा सवाल अमन, उसके बाद आ रहा हूँ डॉक्टर रिजवान, आ रहा हूँ अमन लेखी, आ रहा हूँ और अनुराग भदौरिया आ रहा हूँ। एक सवाल मेरा अमन से, अमन पवार से, अमन क्या रोक ही इलाज है या रिफॉर्म होना चाहिए, या आप कहते हैं कि इसको स्क्रैप ही कर दीजिए, देशद्रोह कानून चाहिए ही नहीं, क्या इसको स्क्रैप कर देना चाहिए या रिफॉर्म करना चाहिए, रिपील या रिफॉर्म? अमन देखिए, सबसे पहले तो क्या सरकार की कोई मंशा है भी जो उसने एफिडेविट में जो कहा है उसको करने की, क्योंकि कल किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे उनका बयान आया कि सेडिशन को 124A को पूर्ण तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो जिस तरीके से सरकार इस पूरे फील्ड में ऑपरेट कर रही है और जो हमारा मैनिफेस्टो में स्टैंड था, हम इसके लिए पूरे पूरे फुल रिपील की मांग करते हैं, तो क्योंकि 1860 का कानून है, 1860 का कानून है सर, 162 साल पुराना कानून है,
इस तरीके के जितने भी कानून विश्व भर में थे सब सरकारों ने हटा दिए, क्योंकि देशद्रोह कानून हटेगा, ये टुकड़े गैंग की दिवाली होगी ना फिर, ये शर्जील से लेकर जितने टुकड़े गैंग काटने वाले और ये अंदर जाएंगे, ये जितने भारत तेरे टुकड़े होंगे फिर देशद्रोह नहीं है, एक्ट में अंदर जाएंगे नहीं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे देशद्रोह नहीं है, फिर अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा देशद्रोह नहीं है, चिकन ने काटे फिर देशद्रोह नहीं है। डॉक्टर रिजवान बोलिए बोलिए, अनुराग आ रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान जल्दी से बोलिए अमन भाई, 15 सेकंड हाँ बोलिए, 15 सेकंड फिर अनुराग आ रहा हूँ, अलग बात करूंगा। हाँ अमन भाई, हाँ बोलिए, 7 दिन पहले एक अधिवक्ता ने अपनी पत्नी बेनजीर हिना के अपने वकील के थ्रू चिट्ठी भेज के तलाक दे दी, हम सुप्रीम कोर्ट PIL में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट अर्जेंट, 10 साल बाद सुनूंगा, अगर दुरुपयोग पे रोक लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पर्सनल लॉ पे रोक लगाए, तब मैं मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट है। अनुराग उसके बाद अमन लेखी, पहले अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूं, अनुराग फिर वही सवाल जी, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे फिर देशद्रोह नहीं है, अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है देशद्रोह नहीं है, क्या है अमन उनकी तो दिवाली हो जाएगी ना फिर, इसको तो और सख्त करना चाहिए अनुराग भाई, क्योंकि आप तो खिलाफ है ना देशद्रोहियों के, गद्दारों के। अरे सुन तो लीजिए, हाँ जी हाँ जी 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 अनुराग, मैंने कहा इस देश के अंदर में जब राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में फर्क हो जाना चाहिए तो उसके दोबारा विचार होना चाहिए, आज गवर्नमेंट की आप आलोचना कर करके लोगों को जेल के अंदर डाल रहे हैं। मैं अपनी बात कर लूं, एक मिनट अनुराग बोल रहे हैं भाई, अनुराग को दिखा दीजिए, एक मिनट अनुराग बोल रहे हैं, आ रहा हूं अमन आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट अनुराग बोल रहे हैं, बोलिए आप अनुराग। अमन जी एक चीज बता दीजिए, पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं कि राजद्रोह की बात कर रहे हैं, अगर राजद्रोह की बात कर रहे हैं तो सरकार ये समझती है कि सरकार के खिलाफ कोई अगर शब्द बोलोगे तो आप पे राजद्रोह लग जाएगा, पहले तो ये क्लियर हो जाए, या राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह वो होता है जो राष्ट्र के खिलाफ कोई बात कर रहा हो, सरकार BJP की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, समाजवादी की हो सकती है, लेकिन राष्ट्र तो हम सबका है, अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई बात होगी तो एक राष्ट्रद्रोह है, आप राजद्रोह पे चर्चा, हम भारतीय जनता पार्टी अगर राजद्रोह मानती है कि उसके खिलाफ कोई शब्द बोलेगा, 2 लाइन लिख देगा, सरकार की कमियां गिनाएगा, सरकार के बारे में बोलेगा कि सरकार सही नहीं कर रही है, सरकार यहाँ पे गलत कर रही है, आप उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेज देंगे, ये अन्याय है, सरासर अन्याय है, ये लोकतंत्र की भी हत्या है, गला घोटने जैसी बात है, और समाज को भी ये मैसेज और संदेश अच्छा नहीं जाता कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि आप राजद्रोह माने सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार होना चाहिए, विपक्ष होता है इसलिए कि सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ बोलना है, लेकिन राष्ट्र की जब बात आएगी, जब राष्ट्रद्रोह की बात आएगी तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास है पूरा हिंदुस्तान एक साथ इस पे खड़ा होगा, और इसके ऊपर जब कानून होगा तो राष्ट्र को लेके होगा, उसको व्यापक होगा और उसमें संशोधन तो होगा ही होगा और उस कानून को मानने वाले सभी लोग होंगे। अमन लेखी एक मिनट, आप कंक्लूडिंग कमेंट सर आपका, अमन लेखी राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है, सेडिशन बिल्कुल बोलिए, सेडिशन डिसलॉयल्टी इन एक्शन है, सेडिशन डिसलॉयल्टी इन एक्शन है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिस केसेस में सेडिशन जायज भी है, जहाँ टेंडेंसी इंटेंशन डिसऑर्डर की भी है, आज की डेट के अंदर इस ऑर्डर के मुताबिक सेडिशन इन्वोक नहीं हो सकता, ये जो ऑर्डर है ये कम्प्लीटली अनवारंटेड है और इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था, दिस इज एन अब्यूज ऑफ इट ज्यूरिडिक्शन, और ये सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर लाई है, ये एफिडेविट फाइल करके, और जिस तरीके से हेजिटेंसी दिखाई थी बहस करने की, क्योंकि अगर आप बारी बारी कोर्ट को बोले हम प्रॉपर फोरम पे करेंगे, फोरम कौन सा है, फोरम लॉ इज मेड, लॉ इज जस्टिफाइड, लॉ 62 का केदारनाथ है, अब तक 2022 तक चला है, इसके अंदर रिकंसिडरेशन की बात नहीं, लॉ को कोई रिकंसिडर की जरूरत नहीं, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर खुद मुसीबत लेकर आई है, और कॉन्सिक्वेंस देश को इसको सहना पड़ेगा, ये गलत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, देश नहीं झुकने देंगे, और आप सवाल के एक बात